राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के एन पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक चल रही है। हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। शिवपाल जी, ये बताइए कि क्या होगा आज का नतीजा? देखिए, नतीजे दोनों हमारे अच्छे आएंगे, समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। लेकिन क्रॉस वोटिंग का खेल भी दिखाई दे रहा है, बीएसपी के विधायक और सपा के विधायक भी बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के खेमे की तरफ हैं। देखिए, कुछ भी करे लेकिन हमारे जो भी विधायक हैं सभी वोट करेंगे, हमारा कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। तो क्रॉसिंग तो दोनों तरफ से हो जाएगी, ऐसी क्या बात है? आपको उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग होगी? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सभी ठीक हैं। आप पहले बहुत नाराज चल रहे थे, क्या नाराजगी दूर हो गई? कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी, नाराजगी तो कुछ नहीं थी, था मामला तो था, लेकिन अब सब ठीक है। और सभी घरों में ऐसा हो जाता है, पता लगा लो तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होगा। शिवपाल जी, कल बहुत समय बाद आप लोग सारे लोग एक साथ देखे गए, आप, नेताजी, रामगोपाल जी, अखिलेश जी, तो ये क्या परिवार में एकता की बात साफ साफ दिख रही है? हम सब लोग अब एक हैं, सब एक हैं, सब ठीक है। लेकिन आपके कहा जा रहा है कि आपके कई करीबी लोग, जैसे कि विजय मिश्र जो कि निषाद पार्टी से हैं, आपके करीबी बताए जा रहे हैं, वो कल आपसे मिलने भी गए थे लेकिन वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, वो समाजवादी पार्टी में तो नहीं थे, गए थे मिलने, हमसे मिलने गए थे, वो भी गए थे, अमन मनी भी गए थे मिलने, तो हैं संबंध हैं, समाजवादी पार्टी में थे पहले तो हमारे मिलने गए थे। आखिरी सवाल, सब कुछ अब ठीक ठाक हो जाएगा परिवार में? सब ठीक है, पहले भी ठीक था, थोड़े बीच में कुछ थे, लेकिन अब सब ठीक है। अब जीतेंगे आप? दोनों सीटें जीते। धन्यवाद। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीतेंगे, दोनों सीटें जीतेंगे और परिवार में भी अब सब कुछ ठीक ठाक है।